अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम शादोबाद हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और आप पे अपनी रहमत बरकतों के दरवाज़े खुले रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार शलजम की भुजिया की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाने वाली हूँ। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली हैं शलजम। इनको इस तरीके से मैंने कर लिया है कट, और इसमें हाफ कप जितना मैंने शामिल कर लिया है पानी। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको रेगुलर पतीले में बना सकते हैं। और मसालों में मैं सिंपल इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून मेरे पास रेगुलर मिर्चे हैं, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1.5 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। तो ये है हम ये तमाम अपने ये मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको मैं स्टीम लगवा के अपने शलजम जो है ये हम गला लेंगे। तो शलजमों को गिलाने तक मैं इसको स्टीम लगाती हूँ 7 से 8 मिनट का। आप अगर पतीले में बना रहे हैं तो उस वक्त तक आप इसको बॉईल करें जब तक कि आपके शलजम मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाते। तो इसको हम गला लेते हैं और फिर मैं आपको आके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्टीम लगवा ली है, शलजम गल चुके हैं। अब इसका जो है पानी खुश कर लेंगे, और इसके साथ ही मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। और तड़के में मैं क्या शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसको जो है इसका पानी ड्राई कर लेते हैं, कुछ शलजम साबुत रहने देते हैं, कुछ को हम इस तरह डोई की मदद से इसको जो है डुबा के पीस लेते हैं। तो इसका मैं पानी खुशक करती हूँ, साथ में इसका तड़का बनाती हूँ। तो तड़का मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई हो रहा है, तो उस वक्त तक इसमें मैं 1 टीस्पून ये मेरे पास ब्राउन शुगर है इसको मैं शामिल कर रही हूँ। इसकी जगह आप रेगुलर वाइट जो है शुगर उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह मैं इसको जो है ये देखिए इसका पानी अच्छे से हो चुका है ड्राई। यहाँ तड़के के लिए मैंने एक पैन में डाल लिया है तेल, और यहाँ मैंने ली है कुछ साबुत मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, और ये मेरे पास हींग है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ साबुत मिर्च और ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हम शामिल कर लेते हैं ऑयल में, इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ, फिर मैं आपको आगे। तो ये आप देख सकते हैं एक जो है दरमियानी प्याज मैंने ली है उसको शामिल कर दिया। इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को आगे आपके साथ शेयर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्याज जो है ये हो चुका है गोल्डन ब्राउन, और यहाँ हमारे जो है पानी बिल्कुल से हो चुका है ड्राई। तो बस ये तड़का जो है इसमें मैं शामिल कर देती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं तड़का डाल के भी इसको जो है सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आप अच्छा सा भून लें तड़के के साथ। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं अपनी हरी मिर्चें और हरा धनिया, और इसमें मैं शामिल करूँगी हल्का सा गरम मसाला, वो शामिल कर देते हैं। और उसके बाद मैं इसको करती हूँ डिश आउट, और डिश आउट करके आपको मज़ेदार जो है शलजम की भुजिया का फाइनल लुक दिखा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार शलजम की भुजिया बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।